हाजरीन ये गाड़ी नाकाबंदी की गई और ये नाका तोड़कर पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए फरार हो गई। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। और ये नाजरीन आपने देखा, इन जवानों ने टाइल्स ब्रेक कर दी। अब मार्च पास होगा और पासिंग आउट परेड पास आउट होने वाले परेड में कामयाब होने वाले जवान कंपनी की सूरत में परेड कमांडर की क्यादत में मेहमान जी वकार को सलामी देते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। ये इतना खूबसूरत अंदाज, इनको दाद बनती है। सामीन हाजरीन प्लीज। हमारी हाक से खुशबुए वतन आएगी, हमारी हाक से खुशबुए वतन आएगी, हमारा खून इस मिट्टी के रंग में शामिल है। आहर में पुलिस कमांडो का ये चाको चुबंद दस्ता जिसकी क्यादत रिक्रूट कांस्टेबल उस्मान अली आमदा जिला जेलम कर रहे हैं, मेहमान खसूसी को सलामी देते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। सामीन सबसे पहले आपके सामने पुलिस के तरबियत याफ्ता शेर दिल जवान आंखों पर स्याह पट्टी बांधकर राइफल MP5 और राइफल G3 को ब्लाइंड पोजीशन में खोलने और जोड़ने और वेपन का स्टॉपेज क्लियर करने का अमली मुजाहरा पेश करेंगे। नाज़रीन आपके सामने आंखों पे पट्टी बांधकर ये वेपन को खोल रहे हैं और चंद सेकंड्स में आप देखेंगे कि ये दोबारा चोट देंगे। हाजरीन आपको बताता चलूं कि वेपन खोल जोड़ इन जवानों की बुनियादी ट्रेनिंग का हिस्सा है और पास आउट होने वाले तमाम जवान इसमें महारत रखते हैं। अब जवान आपके सामने मुख्तलिफ पोजीशंस पे फायर कर रहे हैं। ये जवान 8 जवानों पर मुश्तमिल है, राइफल AK-47 के साथ मुख्तलिफ पोजीशन में फायर करते हुए नजर आएंगे। बहुत खूबसूरत शानदार। पलटना झपटना झपटकर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बहुत खूबसूरत अंदाज, शाबाश। ये दस्ता असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इमरान की क्यादत में हेड कांस्टेबल अब्दुल कादर और दीगर असातिज़ा की अंतक बैनर से तैयार किया गया।
हाजरीन ये गाड़ी नाकाबंदी की गई और ये नाका तोड़कर पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए फरार हो गई। बरवक्त इतला मिलने पर पुलिस की मोबाइल इस गाड़ी की निशानदेही करके इसको रोकने और घेरने की कोशिश करेगी और गाड़ी का घेराव किया जाएगा। आप देखेंगे कि तरबियत याफ्ता फोर्स के जवान किस होशियारी और फुर्ती से मुजरमान पर दावा बोलेंगे और मुजरमान को गिरफ्तार करके मगवी की बाजियाबी करवाएंगे और इनसे बरामद होने वाला असला सामान और गाड़ी अपने कब्जा में लेंगे। नाजरीन देखें, अब आपके सामने कार्रवाई की जा रही है और मुल्जम को पकड़ लिया गया है। दहशतगर्द को पकड़ के पुलिस की वैन में डाल दिया गया है और अब वीआईपी को बाजियाब करवा लिया गया है और उसको महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया गया है। मजीद अब सर्चिंग जारी है कि गाड़ी के अंदर कोई असला वगैरह मौजूद तो नहीं। नबील अजीम मोहम्मद उसामा जुबैर अली तबस्सम अली और बाबर शामिल है। ये जवान अब इस जलती हुई आग में से गुजरेंगे। दाद दीजिएगा, शाबाश। इन्होंने इन रिंग में से गुजरकर अपना कुंडा ब्रेक किया है। शाबाश, बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत दलेरी और जुरत का काम है। ना ये पानी से डरते हैं ना आग से डरते हैं। ये जवानों ने अज़्म किया है कि हर हाल में इस कौम की अपने लोगों की हिफाजत करनी है और दुश्मन का डट के मुकाबला करना है। तालियां। वज़ीर हाजरीन, आपके सामने अली हसन चार जवानों के ऊपर से रोल करके कुंडा ब्रेक करेगा। एक एक आयत कुरान की तलावत करना, जान पर खेल कर इजहार सदाकत करना। हाजरीन अब उमर हयात पांच जवानों के ऊपर से रोल करेगा। अब मोहम्मद सैफ छह जवानों के ऊपर से रोल करेगा। अब मोहम्मद सजावल सात जवानों के ऊपर से रोल करेगा। मोहम्मद असद नौ जवानों के ऊपर से जंप करेगा। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के हूनी मंजर से, जिस तौर में जीना मुश्किल हो उस तौर में जीना लाजम है। बहुत खूबसूरत अंदाज था, बहुत लंबा जंप। 12-12 टायलें पंच के साथ ब्रेक करेंगे। टायल ब्रेक में फहद अहमद, अहमद यार, जैन, औनशा, गफार शामिल हैं। सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। और ये नाज़रीन आपने देखा, इन जवानों ने टाइल्स ब्रेक कर दी। जबरदस्त शानदार।